उज्जैन की घटिया तहसील से आपको इस वक्त की अगली खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक तरफ आबकारी विभाग अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कस रहा है। कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों को धरपकड़ अभियान चलाए जा रहे हैं, किंतु उसके बावजूद भी आबकारी विभाग की इतनी सतर्कता के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी, आपको बता दें कि आबकारी विभाग के उपस्थित होने के बावजूद भी अवैध रूप से शराब की तस्करी लगातार जारी है और लाइसेंस के समान आबकारी विभाग के नाक के नीचे से एक डायरी बनवा कर लोगों को अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जिसको एक हर गांव में हर जगह एक एजेंट को नियुक्त किया गया है जो शराब की कर रहा है तस्करी। और बड़ा सवाल यह है कि क्या आबकारी विभाग तक इस बात की अभी तक सूचना नहीं पहुंची है, या पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, या फिर पुलिस प्रशासन की सूचना में इस तरीके की कोई जानकारी नहीं आई है जिससे इस तरीके की वारदातों को, इस तरीके की अवैध तस्करी को रोका जा सके। आबकारी विभाग जिले में अवैध शराब को लेकर अभियान चलाकर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन क्षेत्र में अवैध शराब को कार्रवाई नहीं हो पा रही है। डायरी बनवाकर गांव में अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गठिया तहसील के पान बिहार चौकी क्षेत्र में कई गांवों में देशी शराब दुकान से ठेकेदार की जीप में शराब भरकर परिवहन भी किया जा रहा है। ठेकेदार के कर्मचारी गाँव में बनाए गए एजेंट के घर शराब उतारते हैं, इसके बाद एजेंट गाँव में उसे बेचता है। प्रत्येक गाँव में एजेंट को एक डायरी बनाकर दी गई है जो लाइसेंस के समांतर काम करती है। डायरी के आधार पर शराब की बिक्री गांव में हो रही है।